हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन दागने, स्वागत करते हैं फ्लाई अकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लकार, लकार में भी लट लकार पढ़ने वाले हैं। लट लकार का भी हम इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे जो आपको पता होना चाहिए। पहला है परस्मयी पद और दूसरा होता है आत्मनेपद। जी हाँ, दो तरीके से हम पढ़ते हैं, दो तरीके से लकार आते हैं आपके। किस तरीके से? एक तो आपका परस्मयी पद होता है और दूसरा आपका आत्मनेपद होता है। तो चलिए अब हम इसका ट्रिक और फॉर्मूला शुरू कर। सबसे पहले मैं आपको परस्मयी पद के बारे में पढ़ाऊंगा, और इसमें आपको पता ही है कि जब भी हम लकार पढ़ते हैं, चाहे वो कोई सा भी लकार क्यों ना हो, सबसे पहले हमें उसमें हमें पता नहीं कि इसमें वचन, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो इसका फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, ती ता अंति सी था था आमी आवा आम। जरा समझने की कोशिश करें, यहाँ पे वैसे कुछ लोग फॉर्मूले में सिर्फ मी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मी, मी व म। अब कुछ लोग कहते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे आ नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आ और जो धातु का आ, इन दोनों का आ मिलता है तो बड़ा दीर्घ गुण बनता है। तो इसलिए मैं अब, चूंकि क्या होता है बच्चे याद नहीं रख पाते कि भाई यहाँ पे आमी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ बनेगा, इस वजह से मैं यहाँ पर पहले ही आ लिख रहा हूं ताकि हमें याद रखना। चूंकि पेपर में तो फॉर्मूला लिखने आएगा नहीं, पेपर में तो सीधा आएगा कि आप धातु में पुट करना है हमें, इसलिए आपको यहां पर इतना वो फॉर्मूले की ट्रिक को उतना माइंड करने का जरूरत नहीं, आपको बस याद करने का जरूरत है। ती ता अंति सी था था आमी अब आम। अब इसको मैं कोई धातु में पुट कर दूं तो मैं इसको भव धातु में पुट कर देता हूं। किस में पुट करना? भव। भवमीस हमें आपको पता है होना होता है, भवमीस क्या होता है? होना। तो हम इसको पुट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे पुरुष, यहां पे लिखेंगे हम एक वचन, यहां पे लिखेंगे हम द्वि वचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो भैया अब आपको देखना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये भव लिख दो आप सब जगह, भव भव भव, सब जगह भव भव लिख दो आप, सबसे पहले भव भव लिख दिया आपने सब जगह भव 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 भव। अब आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या लिखा है? ती, तो भव ती भव तह भवंती। अब आ नहीं लिखेंगे इसलिए अंति आएगा, भव सी भव थ भवत, भवसी भवत भवत। अब इसके बाद भवामी हो जाएगा, भवावे और ये भवामे। तो हमने सिर्फ क्या करा, हमने सिर्फ क्या करा इसमें, हमने सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला हमने बनाया ती ता अंति सी था था आमी आवा आम, इसको हमने सिर्फ क्या करा, इसको हमने सिर्फ पीछे लगा दिया। कहाँ लगा दी? धातु के पीछे लगा दिया। अगर कोई और धातु होती तो उसमें भी हम ऐसे ही करते, पट लगाते तो पटती पटत पठंती, पट सी पटत पठत, पठामी पठाव पठाम। समझ में आ गया? तो ये आपका लट लकार का परस्मयी पद हो गया। अब हम आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं हम आत्मने पद पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आत्मने पद पर। तो गाइज अब हम आगे आते हैं आत्मने पद पर। आत्मने पद का फॉर्मूला चेंज है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका दिख रहा होगा आपको, तो ये ते इते अंते, से इते धुए, ए वहे महे। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि वहां पर जब मैंने आपको आमी आवे आमे लिखवाया था, मैंने बताया था कि छोटा आ की मात्रा और ये धातु की आ की मात्रा मिलकर बड़ा आ बना लेता, तो उसी प्रकार से इसमें ई प्लस छोटा आ ये दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ए। क्या बन जाएंगे? ए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ई प्लस छोटा बड़ा, छोटा आ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ए की मात्रा बन जाएगा उस फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है। चलिए हम इसको बनाते हैं। मैं जैसे भव का बनाया था तो अपन भव धातु का ही बना लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। पुरुष एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन,
और यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष, ये आपके मध्यम और उत्तम। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम भव भव लिख लेते हैं। भव 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 भव। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ये पुट करते टाइम में ध्यान रखना है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये तो हो जाएगा भव ते, ई लिखा है और मैंने बोला था ई और आ मिल के क्या बनाएगा ए, तो ये आपको हो जाएगा भवे ते, और ये अंत है तो भवंते, से है तो भव से, इथे है तो वो ई की मात्रा और ए की मात्रा, भवे थे और ये भवे दुबे। इसके बाद ये एक ही मात्रा है तो हो जाएगा भवे, और हो जाएगा भव भवे, और आपका भव महे। ये आपका हो गया आत्मने पद। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि ई प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपका जो लट लकार का आत्मने पद भी फिनिश होगा इसकी मेथड के साथ। अगर आप इसमें पट धातु ऐड करेंगे तो कैसे होगा, पठे ते पटते पठे ते पठनते पट से पठे थे पटब पटब धुए पठे पट वहे पट महे। तो गाइस इसी के साथ आपका जो आत्मने पद है वो फिनिश होता है, और इसके पहले हमने परस्मै पद हो गया। तो गाइस ये जो ट्रिक है आपको ध्यान रखेंगे तो पेपर में कभी भी आएगा तो आप नहीं भूलेंगे, और ये कई बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए आपको आत्मने पद और परस्मै पद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और इसके पहले भी मैंने और भी लकार के वीडियो, विभक्ति के वीडियो और भी बेसिक संस्कृत के वीडियोस मैंने बनाए हुए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट संस्कृत व्याकरण करके आपको मिल जाएगी, तो उसको भी जरूर देखें। अगर अपनी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि आप ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान मिलेगा, दूसरों को भी ज्ञान मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।